तो हेलो गाइस, तो कैसे हो चलो। तो गाइस वापस आ चुके हैं जीडी फाइव के कॉर्नर वीडियो के साथ, अपनी न्यू इंडियन कार्स वर्सेस ओल्ड इंडियन कार्स की एक और वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे अपनी न्यू वर्सेस ओल्ड इंडियन कार्स का यार जंप चैलेंज। तो गाइस इधर आप लोग देख पा रहे हो भाई, यहाँ पे खड़ी भाई अपनी पुरानी वाली इंडियन कार्स, और गाइस सेम कार्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं जो कि हैं भाई अपने नए वाले मॉडल्स। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई जो लुक है भाई वो गाड़ी को कुछ ऐसा लग रहा है। और अब मैं आप लोग को बता दूँ कि गाइस आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो भाई, यहाँ पे रैम बना के रखा हुआ है भाई, जहाँ से जो अपनी गाड़ियाँ भाई एक साइड से जाएंगी भाई अपनी नई गाड़ी, और एक साइड से जाएंगी भाई अपनी पुरानी वाली गाड़ी। और नीचे जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस बार हमने काफ़ी सारी जो है भाई यहाँ पे बिल्डिंग्स लगा के रखी हैं। तो भाई होने के बाद भाई गाड़ियाँ से नीचे आएंगी, यहाँ से लेंगी जंप, और जंप लेने के बाद भाई इन बड़ी बड़ी FIB बिल्डिंग्स को यार पार करना, और इनके ऊपर हमने भाई लगा दिए यहाँ पे ढेर सारे ब्लेंडर्स, यानी कि जिस भी गाड़ी की हाइट यहाँ पे नीचे होगी जंप के टाइम वो गाड़ी सीधा इनसे टकरा जाएगी, और जो भी गाड़ी यहाँ से यार पार कर जाएगी इन ब्लेंडर्स को और इन बिल्डिंग्स को वो हो जाएगी गाइज अपने चैलेंज में पास। अब गाइज देखते हैं यार कौन कौन सी गाड़ियाँ भाई इसको पार कर पाती हैं, और भाई अगर गाड़ी भाई इस पर टकराती है तो भाई सीधे सीधे भाई वो उड़ के दूर जाने वाली है और वो गाड़ी फेल होने वाली है। तो भाई जल्दी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज हमारा आज का चैलेंज है गाइज ये स्टार्ट होता है भाई हमारी वैगनआर से। तो भाई पहले लेके चलते हैं हम लोग वैगनआर को, भाई ये अपनी पुरानी वाली वैगनआर, तो पुरानी पहले लेके चलेंगे फिर गाइज नई को लेके चलेंगे। ऑल एट गाइज ये चल अपनी वैगनआर, गाइज देखते कितनी स्पीड इसकी जाने वाली है। 150 पहुंच गई है भाई, 180 पहुंच गई भाई पुरानी वैगनआर, 200 पहुंच गई, 240, 250, और यहाँ पे पुरानी वैगनआर ने मार दिया जंप। ओ भाई ये तो ब्लेंडर्स टकरा जाएगी, नो नो ओ, ओ भाई यहाँ पे क्या खतरनाक सीन हुआ है। और भाई वैगनआर की जो हालत है वो आप लोग देखो यार क्या हो गई है भाई, छत पर इसकी पूरी टूट चुकी है, और गाइज अपनी भाई पुरानी वैगनआर तो भाई यहाँ पे यार फेल हो गई भाई चैलेंज में। तो भाई इसको तो इधर ही छोड़ते हैं और गाइज अगली वैगनआर को लेते हैं, यानी कि नई वाली। तो गाइज जब बारी आती है यहाँ पे अपनी नई वाली वैगनआर की, और मेरे हिसाब से गाइज अपनी ये वाली वैगनआर है शायद से कर जाए, क्योंकि भाई अपनी ये वाली वैगनआर काफ़ी बढ़िया चलती है, और भाई इसका नया इंजन भी है, सीधी सी बात है भाई बढ़िया तो चलना बनता है यहाँ पे। और गाइज जितनी इसकी स्पीड कितनी जाती है, 170, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, और गाइस क्या ये पार करेगी। ओ ओ थोड़ा सा ओ बच के निकल गई गाइस, यहाँ पे हमारी वैगनआर है यार, यार इसकी किस्मत ने यार सच बता रहा हूँ बहुत साथ दिया है, यानी कि भाई ये ब्लेंडर के बीचों से निकली है लेकिन यार बच गई भाई, मतलब क्या किस्मत हो तो भाई वैगनआर जैसी यार, मतलब खतरनाक किस्मत। तो गाइस यहाँ अपनी वैगनआर तो यार किस्मत से भाई पूरी पूरी पास होके भाई यहाँ पे पहुँच गई है, तो इसको यार यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे हमारी महिंद्रा थार की, और गाइस ये अपनी पुरानी वाली थार यानी कि CRD वाली थार, तो देखते चलते हैं भाई मतलब पुरानी थार यहाँ पे कैसे परफॉर्म करने वाली है, चलो देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। और 4, 5, 5th गियर पर आ चुकी है अपनी गाड़ी, 200, और भाई क्या आवाज़ कर रही है, 260, 270, 280, 300 पहुंच जाएगी क्या, और 300 नहीं पहुंची लेकिन देखते हैं गाइस क्या होता है। और निकल गई भाई यार पुरानी थार तो भाई एकदम क्लियर निकली है भाई यहाँ पर, और कितनी लंबी जंप मारी भाई इस गाड़ी ने। ओके भाई रुक गए, चलो अच्छा यहाँ पे पेड़ लगा हुआ था भाई, गाड़ी अपनी यहाँ पे रुक गई, और आगे से भाई गाड़ी की हाथ थोड़ी सी खराब हो गई है, लेकिन यार जो अपनी थार है ना भाई यहाँ पे अपने चैलेंज में यार पास हो गई है। तो कहता बारी आती है यहाँ पे अपनी नई वाली थार की, अब भाई पुरानी खर गई है तो भाई नई से तो मुझे काफ़ी उम्मीद है, लेकिन कभी भी यार कुछ लोग कहते हैं ना भाई मतलब कि जो अपनी पुरानी थार है वो ज़्यादा बढ़िया, तो देखते हैं कहते यहाँ पे यार कौन सी थार ज़्यादा बढ़िया करने वाली, पुरानी वाली या नई वाली। और गैस 6th गियर पे है भाई अपनी नई वाली थार यहाँ पे, और यहाँ पे गैस नई वाली थार ने भाई 300 टच किया है, और भाई देख सकते हो भाई जो नई वाली थार है भाई काफ़ी ज़्यादा बेटर, और भाई इसने काफ़ी लंबी जंप भी मारी है यार गैस अपनी नई थार ने, यार सच बता रहा हूँ भाई बहुत लंबी जंप मार रही है। और मैं दिखा दूँ गैस अपनी पुरानी थार, गैस वो देख लो भाई वहाँ पे अपनी पुरानी थार और गैस नई थार देख लो यार कितनी आगे आई है भाई, इसको भी ना मैं यहाँ पे यार पार्क कर देता हूँ। एक काम करता हूँ भाई जहाँ पे सारी गाड़ियाँ गिर रही है ना भाई इसको भी वहीं पार्क करेंगे, वरना फिर जंगलों में ना ढूंढते रहेंगे भाई कौन सी गाड़ी कहाँ गिरी थी, तो इसको ना मैं इधर ही यहाँ पे पार्क करता हूँ। अरे सॉरी वैगनआर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कोई बात नहीं। तो गैस बाहर आती है यहाँ अपनी पुरानी वाली इनोवा क्रिस्टा की, और भाई काफ़ी हैवी कार, और गैस की स्पीड भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहती है, तो देखते हैं गैस अपनी यहाँ पे पुरानी वाली यार इनोवा क्रिस्टा गैस यहाँ पे कैसे परफॉर्म करती है, तो देखूँगा मैं स्पीड इसकी कितनी जा रही है यार, 50 ईयर लग चुका है यहाँ पे यार, स्पीड तो अच्छी खासी जा रही है भाई पुरानी वैगनआर की भी यहाँ पे, और यहाँ पे जंप आ चुका है, और बहुत हैवी गैस, बहुत हैवी, तो ब्लेंडर की चपेटे में जाएगी भाई। ओ अरे बाप रे गैस, धुआं निकाल दिया गया यार इसका तो,
और भाई यार इसका तो पूरा धुआं निकल गया और अच्छा पानी में आ गिर रही है भाई, ठंडी हो जाएगी गाड़ी पूरी। तो भाई यहाँ पे जो भाई तो पुरानी यार पुराने जो अपनी इनोवा क्रिस्टा थी गाइस, ये तो यार फेल हो गई है। तो गाइस तभी बारी आती है भाई अपनी नई वाली क्रिस्टा की, और ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा भाई अपनी नई वाली क्रिस्टा हल्की, क्योंकि भाई ये वाली गाड़ी भी यार क्रिस्टा है भाई भारी होने वाली है। तो देखते हैं गाइस परफॉर्मेंस में कितना फर्क रहने वाला है, क्या ये वाली गाड़ी कर पाएगी या नहीं करेगी। चलो देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पे। और ये लग चुका है फिफ्थ गियर इसका, और स्पीड गाइस काफ़ी बढ़िया यार 280 290। और गाइस देखते हैं क्या होता है क्या होगा। और निकल गई गाइस, निकल गई भाई अपनी नई वाली क्रिस्टा। तो भाई यहाँ पे काफ़ी मस्त परफॉर्मेंस है यार, और ये गिरी नई वाली क्रिस्टा अपनी। और क्या हालत है भाई, हालत सही है, सब कुछ ओके, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे गाइस नई वाली क्रिस्टा जो है भाई पास हो चुकी है, तो इसको मैं ना बाकी गाड़ियों के साथ यार यहाँ पे पार्क कर देता हूँ भाई। बाकी गाड़ियाँ भाई जंगल इतना घना है ना कि यार गाड़ियाँ मिलती नहीं है, कहाँ चली गई। तो ये रही भाई यहाँ पे पार्क करते हैं इसको। तो गाइस अभी बारी आती है यहाँ पे अपनी ब्रेजा की, और देखते हैं गाइस अपनी ब्रेजा है गाइस यहाँ पे अपनी पुरानी वाली, ये यार ये कैसा परफॉर्म करने वाली है। ऐसे गाइस अपनी ये वाली ब्रेजा भाई अभी भी यार मुझे इतनी पुरानी नहीं लगती यार। तो देखते हैं गाइस अपनी ये वाली जो ब्रेजा गाइस कैसा परफॉर्म करती है। ओके सिक्स्थ गियर पे है गाड़ी अपनी, और भाई ब्रेजा की स्पीड 300 और कर जाएगी भाई, ये तो कर जाएगी यार। यहाँ पे अपनी पुरानी वाली ब्रेजा भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से कर गई। अब देखना ये होगा कि क्या अपनी नई वाली ब्रेजा भी यार कर पाएगी या फिर नहीं। ओके रुक जा भाई, सामने पानी है, समंदर है। तो यहाँ से लेते हैं यू टर्न और देखते हैं गाइस अपनी बाकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं, तो मैं इसको भी इससे वहाँ पर पार्क कर सकूँ। तो ये रही भाई अपनी थार। ओ भाई भाई ये क्या हो रहा है, मेरा निशाना चूक कैसे जा रहा है हर बार। तो कोई नहीं, मैं इसको भी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। तो गाइस आ चुकी है बारी अपनी नई वाली ब्रेजा की, और लेते हैं गाइस लेके चलते हैं, यानी कि लेते नहीं लेके चलते हैं गाइस अपनी ब्रेजा को, और देखते हैं गाइस नई वाली ब्रेजा यहाँ पे क्या कमाल करने वाली है। और काफ़ी बढ़िया जा रही है, क्या ये 300 टच कर पाएगी या फिर नहीं करेगी। कमॉन 300 चाहिए मुझे। तो भाई टच कर दिया, 300 तो टच कर दिया इसने। और ये भाई अपनी नई वाली ब्रेजा भी कर गई यार, मतलब ब्रेजा अपनी दोनों एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ियाँ भाई, एकदम बढ़िया। और लैंडिंग बहुत बढ़िया थी, हो जाए भाई मेरी पेड़ के ऊपर। अरे यार ये कैसा पेड़ है भाई, ये कैसा पेड़ था, मतलब कहाँ लगाए गाड़ी के, देख रहे हो भाई क्या कर दिया भाई। ऐसा लग रहा भाई इसका ना भाई क्या कर दिया यार भाई, सीधा ना उसके ऊपर ही गिर गया भाई, टायर वायर निकल गया। मतलब अच्छी खासी लैंडिंग हो सकती है, लेकिन भाई जंगलों में इतने पेड़ है ना भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो कोई नहीं यार मैं इसको यहाँ पे पार्क करता हूँ। अरे 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 ये क्या भाई, यहाँ पे फिसलन कितनी ज़्यादा यार, कितनी ज़्यादा फिसलन है गाइस यहाँ पे, पूरी गाड़ी स्पिन कर गई मेरी यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे भाई बहुत ही आराम चला के, अरे इसका पीछे का टायर रुका हुआ है भाई, मैं कहूँ यार क्या दिक्कत है इसका टायर भाई, टायर इसका टूट गया है ना, इसी वजह से गाइस ये देख लो ऐसा अजीब सा बिहेव कर रही है गाड़ी। तो कोई नहीं यार इसको मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ। और ये भाई गाड़ी नहीं भाई, घास काटने की मशीन बन चुकी है ऐसा लग रहा है। तो कैसा बारी आती है भाई यहाँ पे अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो की, यानी कि अपनी स्कॉर्पियो S11 की, और लेके चलते गए अपनी स्कॉर्पियो S11 को यहाँ पे। यार काफ़ी दमदार कार है, तो यार मेरे हिसाब से भाई अपनी स्कॉर्पियो S11 को तो भाई करना ही चाहिए, क्योंकि भाई लेजेंडरी स्कॉर्पियो यार अपनी भाई, इतनी पॉपुलर गाड़ी ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे रह जाए, ऐसा हो कह सकता है। और ये मारा गाइस इसमें स्कॉर्पियो S11 ने यहाँ पे जंप, ओहो क्या परफेक्ट जंप गाइस, देख रहे हो भाई क्या रॉकेट की तरह गाड़ी जा रही है, और बहुत ही लंबा जंप मारा है, मतलब सच में गाइस बहुत ही। ओहो इस बार मैं खुश हूँ कि यहाँ पे पेड़ था, नहीं तो भाई मैं सीधा पानी में जाने वाला था। हालांकि छत पे चढ़ गई है, लेकिन भाई गाड़ी खोने से अच्छा है भाई छत पे छुआ लो उसकी, तो वो ज़्यादा सही है। तो वैसे यहाँ पे अपनी पुरानी वाली गाइस जो अपनी स्कॉर्पियो S11 है इधर पहुँच गई, तो मैं इसको ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे स्कॉर्पियो N की, और गाइस ये जो अपनी स्कॉर्पियो ना भाई अपनी स्कॉर्पियो S11 से काफ़ी हैवी हो चुकी है, और भारी गाड़ी का मतलब तो समझ ही रहोगे ना यार, भारी गाड़ी यानी कि यार कम जंप होने वाली है यहाँ पे, छोटी जंप। तो देखते हैं गाइस कितनी इसकी स्पीड जाती है, और 300 तो जाना बनता है यार यहाँ पे इसका, और नहीं गई तो फिर क्या ही कहना है। और 300 पहुँच गई, 300 पहुँच गई और यहाँ पे जंप हो जाएगी। और गाइस अपनी स्कॉर्पियो N ने कर दिया यार, मुझे लगा था भाई अपनी स्कॉर्पियो जो है भाई नहीं कर पाएगी, लेकिन यार ऐसा नहीं है यार, स्कॉर्पियो विल रिमेन स्कॉर्पियो भाई, सही बात है, स्कॉर्पियो विल रिमेन स्कॉर्पियो यार, स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो रहने वाली है यहाँ पे। और ये क्या भाई सो गई है क्या भाई, सीधी हो जाए यार, सीधी हो जाए यार, ओ ओ ओ ओके। तो भाई यहाँ पे गाड़ी अपनी सीधी हो चुकी है, और पीछे थोड़ी टेढ़ी भी हो चुकी है। तो भाई नई वाली स्कॉर्पियो को तो मैं यहाँ पे जल्दी से पार्क कर देता हूँ। और नई वाली गाड़ियाँ किधर खड़ी थी भाई जंगलों में, मैं कहाँ ढूँढूँ भाई, कहाँ है मेरी गाड़ियाँ, ये रही भाई ये रही ये रही। तो इसको ना जल्दी से इधर पार्क कर देता हूँ। तो कैसे बारी आती है भाई यहाँ अपनी फॉर्चुनर की, और कैसे अपनी 2014 वाली फॉर्चुनर भाई, बहुत ही पुरानी फॉर्चुनर, लेकिन गाइस पुरानी है तो भाई पुरानी का भाई कोई दुख नहीं है, क्योंकि भाई अपनी यार लेजेंडरी फॉर्चुनर भाई अपनी दमदार वाली। और गाइस स्पीड देखते हैं भाई, काफ़ी साइलेंट इंजन है, और 300 पहुँच गई भाई अपनी दोहरा 14 की फॉर्चुनर।
और कर जाएगी यार, कर गई भाई, कर गई यार, अपनी पुरानी वाली फॉर्चुनर कर गई। सोच लो इतनी पुरानी फॉर्चुनर भाई आज भी भाई नए जमाने की गाड़ियों को कंपटीशन दे रही है यार, मतलब क्या बात है। तो मैं इसको बिना जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। ओके ये हो गई गाइस अपनी फॉर्चुनर भी यहाँ पे पार्क। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे भाई लेजेंडर की, जो कि भाई अपनी पुरानी वाली फॉर्चुनर से काफ़ी ज़्यादा दमदार और काफ़ी हैवी भी हो चुकी है। तो देखते हैं गाइस लेजेंडर अपनी कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। ओके ये जा रही गाइस अपनी लेजेंडर यहाँ पे भाई, काफ़ी तेज़ जा रही है भाई, बहुत तेज़ जा रही है यार। और 300 भाई लेजेंडर ने भी यहाँ पे टच कर दिया है। और गाइस कर गई भाई लेजेंडर भी कर गई है यार, सही है यार, लेजेंडर को तो करना चाहिए भाई वरना बेइज्जती हो जाती है इसकी तो। और भाई सीधा आसमान से गिरे और खजूर का तो पेड़ नहीं था यार, पता नहीं है जीटी का पेड़ पे अटक गया यार। तो इसको बिना मैं जल्दी से इधर पार्क कर देता हूँ। या वैसे जो भी कहो भाई जंगल है बड़ा सुंदर यार, मतलब मज़ा आ रहा है भाई जंगल में गाड़ी चला के भी। तो मैं इसको भी ना यहाँ पे जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गए तब बारी आती है यहाँ पे अपनी बुलेरो की, जो कि भाई अपनी देसी गाड़ी। तो भाई लेके चलना भाई पहले अपनी यार बुलेरो को, गैस अपनी पुरानी वाली है बुलेरो गैस, वो कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो ये चले गए थी पुरानी बुलेरो यहाँ पे और देखते हैं गैस 6 गियर लग चुका है यहाँ पे अपनी बुलेरो का। और यहाँ पे मार दिया गैस अपनी बुलेरो ने जंप और भाई बुलेरो भाई देसी गाड़ी नहीं रुकती यार, ये नहीं रुकती गाड़ी भाई, ये तो करके ही मानती है। तो यहाँ पे गैस अपनी यार पुरानी वाली बुलेरो है भाई, ये भी ना अपनी चैलेंज पास हो चुकी है। तो मैं इसको ना जल्दी से गैस यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और भाई क्या लाल वाला फूल है भाई, बहुत सारे लगे यहाँ पे यार, इनको तोड़ने में अलग मज़ा आ रहा है। तो कोई नहीं यार, इसको मैं यहाँ पे जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे नई वाली बुलेरो की, जो कि भाई अपनी महिंद्रा बुलेरो नियो। तो लेके चलते गैस अपनी नियो को, गैस नियो की परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहती है। हालांकि नियो के जो सस्पेंशन गैस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन परफॉर्मेंस देखनी है भाई, हमें तो परफॉर्मेंस देखनी है। तो चलो यार देखते हैं क्या होता है। और ये चली भाई 300 की स्पीड पे अपनी नियो। और गैस नियो भाई काफ़ी दमदार कार है और यहाँ पे भाई काफ़ी लंबी जंप भी मारती है इसने, शायद पेड़ पे गिरने वाला हूँ फिर से। ओ ओ ओ ओ चलो सही है भाई, रुक गई गाड़ी। तो मैं जल्दी से क्या अपनी महिंद्रा की बुलेरो नियो को भी ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और एक फूल गैस छोड़ दूँ मैं। अरे क्या भाई कितने पेड़ लगा दिए यार, कितने पेड़ लगे इधर, पूरा एकदम खतरनाक ही जंगल बना दिया। तो मैं इसको ना यहाँ पे जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा नेक्सॉन की। और इसने गाइस अपनी टाटा नेक्सॉन गाइस यहाँ पे कैसे करती है, तो ये भाई अपनी पुरानी वाली नेक्सॉन यहाँ पे। और इसने गाइस अपनी पुरानी नेक्सॉन की जो परफॉर्मेंस गाइस कैसी रहती है। और ये चली गाइस अपनी पुरानी नेक्सॉन यहाँ पे और शायद ये भी 300 पहुँच जाएगी। और पहुँच गई गाइस 300 यहाँ पे। और ये मारा जंप काफ़ी तगड़ा और क्लियर जंप मार रहा है गाइस, पुरानी नेक्सॉन है भाई ये अपनी पुरानी नेक्सॉन, और क्या ही खतरनाक जंप मार रही है। और ओ हैंड ब्रेक और रुक गई गाइस गाड़ी अपनी। तो इसको ना मैं जल्दी से उधर पार्क कर देता हूँ और ये फूल लेके आया हूँ मैं इन गाड़ियों के लिए। तो मैं इसको ना पार्क कर देता हूँ जल्दी से। तो गाइस अब बारी आती है अपनी टाटा नेक्सॉन की। और गाइस देखते हैं अपनी टाटा नेक्सॉन गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये नई वाली नेक्सॉन है अपनी और देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पे। थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर और क्या ही अपशिफ्ट हो रहा है भाई, बढ़िया वाला एकदम। और स्पीड देखते हैं कितनी जाती है इसकी, उसकी तो 300 पहुँच गई थी और इसकी भी 300 पहुंची है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा गई थी। लेकिन जो भी हो भाई यहाँ पे अपनी नई वाली नेक्सॉन भी जो है यार अपना चैलेंज कर गई है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और ये हुई भैया लैंडिंग, और लैंडिंग तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस अपनी गाड़ी यहाँ पे अपनी चैलेंज पास हो चुकी है। और मैं इन पेड़ों से परेशान हो गया, मतलब कितने पेड़ हैं भाई, कितने पेड़ लगे हैं यार यहाँ पे। ओ ओ ओ कहाँ पार्क करूँ यार, पार्किंग तो फुल लग रही है मुझे, पार्किंग पूरी फुल लग रही है मुझे यहाँ पे। तो इधर इधर पार्क करते हैं। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे पुरानी वाली ह्यूंडई वर्ना की। और गाइस जो अपनी पुरानी वर्ना गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और ये चली गाइस पुरानी वाली वर्ना यहाँ पे। ओके 170 190 200 पहुँच चुकी है, और क्या ये 300 पहुँचेगी, और 270 की स्पीड भाई, ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी, और क्या ही निकल पाएगी। ओह भाई निकल गई, निकल गई यार अपनी भाई पुरानी वाली वरना निकल गई, क्या बात है। ओ लैंडिंग भी हो गई यहाँ पे, और भाई वरना की लंबाई हमने थोड़ी सी छोटी कर दी है गलती से भाई, टकराई हो गई भाई अपनी। तो यहाँ मैं इसको जल्दी से पार्क करता हूँ। तो गाइस जब बारी आती है अपनी नई वाली वरना की, और भाई पुरानी वरना तो कर गई, और कई हद तक मुझे लगा भाई शायद से अपनी पुरानी वरना की किस्मत साथ दे गई थी, वरना तो यार मुझे लगा था कि शायद से वो टकरा जाएगी, लेकिन टकराई नहीं। लेकिन तो गाइस नई वरना भाई, नई वरना तो भाई सीरीज बात है, नई वरना निकलनी बनती है ना यार यहाँ पे। देखते हैं गाइस, लेकिन इसकी स्पीड मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी धीमी लग रही है यार। और क्या होगा, क्या ये निकलेगी, क्या ये निकलेगी,
अरे फटका फटका भाई, फटका पड़ गया और गई यार उस छत से सीधा इस छत पे आई, गिरने वाली है और ये गिर गाइस। तो यहाँ पे गाइस जो अपनी नई वाली वरना है भाई, ये तो यार फेल हो गई भाई, तो इसको हमें इधर ही छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस अब बारी आते हैं यहाँ पे भाई अपनी होंडा सिटी की, और गाइस ये है अपनी पुरानी वाली सिटी, और देते हैं गाइस अपनी पुरानी सिटी गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करते होते। गाइस सिटी जो है भाई ये आराम से चलने में काफ़ी सही है, लेकिन भाई स्पीड देखते हैं गाइस कितनी जाने वाली है। फोर्थ गियर लग चुका है इसका और 200, ओहो वरना से तेज़ जा रही है, और 300 पर की गाइस जो पुरानी सिटी यहाँ पे, और देखते हैं गाइस क्या हाई जंप करेगी। ओ ओ ओ ओ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई गाइस गाड़ी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, लेकिन भाई कर जाएगी कर जाएगी। और भाई सीधा छत के बाद लैंडिंग होने वाली है। ओ नो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, गाड़ी तो सीधा बंद हो गई गाइस, ये गाड़ी तो सीधी बंद हो गई यार, ये क्या हो गया भाई। यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी का गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया, और गाइस गाड़ी देख रहे भाई कैसे बंद हो गई भाई, आगे लग चुकी है भाई इसके अंदर आग भाई। मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर तो यहाँ पे है नहीं यार, वो रॉकेट लॉन्चर रखा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है यार, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए भाई। तो गाइस कोई नहीं, मैं इसको ना उठा के उधर रख दूंगा, तो अभी इसको ना इधर ही छोड़ देते हैं। तो गाइस अब आ रही थी अपनी नई वाली सिटी का, गाइस देते जो अभी नई सिटी गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। ऑल राइट गाइस, ये जो भी नई सिटी यहाँ पे आ गई, देते हैं परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली। थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, 200, वो क्या 300 पहुँचेगी, और गाइस ये गाड़ी 300 नहीं पहुँची है भाई, ये वाली सिटी अपनी 300 नहीं पहुँच पाई है। ओहो टकरा जाएगी, टकरा जाएगी, ओ भाई फटका पड़ गया भाई, फटका पड़ गया, और ये गिरी भाई गाड़ी अपनी पानी में, और ओ ओ बैग 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 भाई बच गए यार, गाड़ी तो अपनी बच गई, मतलब बच गया भाई चैलेंज में तो फेल हो चुकी, बस पानी से निकल गई और क्या कहना है। तो गैस यहाँ पे भाई जब अपनी सिटी गैस नई वाली यार, ये तो नहीं कर पाई यार, जो कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन गैस हो गया भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई इसको ना इधर ही छोड़ देता हूँ। गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा सफाई डाइकोर की, और गैस अपनी डाइकोर है भाई भाई जंप के मामले भाई काफ़ी बढ़िया। तो गैसे जो टाटा सफाई डाइकोर गैस यहाँ पे कैसा जंप करने वाली है, और मुझे लग रहा है अपनी डाइकोर यहाँ पे ज़रूर से करेगी, और क्या बात है क्या बात है। ओ 300 प्लस जा चुकी है अपनी डाइकोर यहाँ पे, और क्या जम मारा है भाई अपनी डाइकोर ने, अरे बाप रे, अरे बाप रे, पानी, अरे पानी में घुस जाएगी, अरे नहीं यार ये नहीं, नहीं तो पार कर गई भाई, पूरा आइलैंड अपना पार कर गई अपनी डाइकोर यार। तो गाइस डाइकोर भाई डेफिनेटली यार भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई अपनी चैलेंज पास हुई है, तो मैं इसको ना जल्दी से उधर पार्क कर देता हूँ। गाइस अब बारी आती है यहाँ अपनी टाटा सफारी 2021 की, और गाइस जो अपनी नई वाली सफारी गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है, और ये जी गाइस नई वाली सफारी यहाँ पे देखते हैं गाइस कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। और फिफ्थ गियर, और 300 पहुँच जाएगी गाइस, 300 पहुँच गई यहाँ पे अपनी गाड़ी 330, और यहाँ पे गाइस अपनी नई सफारी नहीं मार दी भाई जंप, तो भाई सफारी तो यार जंप्स मारने में यार काफ़ी बढ़िया यार। और यहाँ पे गिरी है भाई इसने लैंडिंग, हालांकि भाई डाइकोर जैसी जंप तो नहीं मार पाई, लेकिन भाई काफ़ी बढ़िया जंप मारी इसने भी, तो मैं इसको ना जल्दी से पार्क करता हूँ गाइस, हाँ इस सिटी को भी ना मुझे वहाँ पार्क करता है। तो गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का चैलेंज गाइस यहाँ पे ख़त्म होता है, बारी आती है भाई काउंटिंग की कि भाई यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा आई हैं। तो भाई सबसे पहले भाई ओल्ड वाली कार्स गिनते हैं, तो भाई यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हाँ भाई यहाँ पे 9 कार्स आई हैं भाई अपनी पुरानी वाली, और गाइस नई गाड़ियों के पास चलते हैं, गाइस गिनते हैं भाई नई वाली गाड़ियाँ भाई यहाँ पे कितनी आई हैं। तो लेट्स गो, तो यहाँ पे कहीं खड़ी थी भाई अपनी गाड़ियाँ, और जंगल देख रहे भाई क्या सुहाना जंगल है भाई अपना, और ये रही भाई अपनी नई वाली गाड़ी थी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके भाई नई वाली कार्स के पास, और गाइस यहाँ पे आप लोग गिन सकते हो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, और ये है भाई अपनी 9 जो कि भाई यहाँ पे छुपी हुई। इसका मतलब गाइस अपना चैलेंज गाइस यहाँ पे आज का भाई टाई हुआ है। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब को लाइक जरूर करना, मिलते रहिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।